इसके अलावा आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको शिक्षा विभाग समाचार की पीडीएफ फाइल, इसके अलावा सभी भर्तियों की पल पल की जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियां और बाकी अन्य भर्तियों की जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आज 3 अप्रैल 2023 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का इतिहास, 3 अप्रैल की महत्वपूर्ण घटनाएं। भास्कर न्यूज, रीट मेंस परीक्षा का परिणाम इसी महीने जारी होगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। भास्कर न्यूज, जयपुर, आपत्ति शुल्क पर ऐतराज, प्रश्न पत्र के सवाल व जवाबों की गलतियों के लिए एजेंसी जिम्मेदार, अभ्यर्थी क्यों भुगते खामियाजा। अध्यापक भर्ती परीक्षा के 9 पेपरों में ही आ गई 77,000 से अधिक आपत्तियां। प्रत्येक आपत्ति के लिए लिया जाता है 100 रुपये शुल्क, 77 लाख रुपये वसूले। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती, अभ्यर्थियों ने 5 से 7 सवालों पर आपत्ति लगाई। अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में आपत्ति लेवल 1, 19,010 आपत्तियां। विज्ञान गणित 10,365, सामाजिक 6,859, हिंदी 30,950, संस्कृत 3,671, अंग्रेजी 3,258, उर्दू 3,671, पंजाबी 2,062, सिंधी 79, टोटल 77,939 आपत्तियां। प्रमुख भर्तियों में आई आपत्तियां, अध्यापक भर्ती, पीटीआई, बेसिक कंप्यूटर, वीडियो और लाइब्रेरियन भर्ती। ये भेजे सुझाव, परीक्षा शुल्क निःशुल्क किया जाए, अगर ऐसा नहीं हो तो शुल्क घटा, प्रत्येक आपत्ति के लिए 2,500 रुपये शुल्क हो। अभ्यर्थियों को पहली 2 से 3 आपत्तियां निःशुल्क की छूट दी जाए, इस प्रकार लगता है शुल्क। इसके अलावा परीक्षा आवेदन शुल्क में छूट की घोषणा सरकार ने की है। आपत्तियों के शुल्क में छूट का मामला भी सरकार के स्तर का है, इसलिए इस मामले पर सरकारी फैसला कर सकती है। हरिप्रसाद शर्मा का बयान, कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष। इसके अलावा थर्ड ग्रेड परिणाम 25 अप्रैल से पहले जारी होगा, 96,000 विद्यार्थियों का परिणाम जारी होगा, उपेन्द्र यादव का बयान। उपेन्द्र यादव का ट्वीट, पशु परिचारक भर्ती की 5,100+ पदों पर अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंच चुकी है, जिसकी योग्यता 10वीं पास होगी और पूरी उम्मीद है कि अप्रैल अंत तक या फिर मई के पहले वीक में विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। संगणक कृषि पर्यवेक्षक भर्ती की विज्ञप्ति अप्रैल अंत तक या फिर मई महीने में जारी होने की पूरी संभावना है। शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला के निर्देश पर बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों का जिला आवंटन आज हो जाएगा। स्कूल व्याख्याता और सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा परिणाम जारी करवाने के लिए प्रयास जारी है और बहुत जल्द ही सीएमओ में मुख्यमंत्री के अधिकारियों से मुलाकात करूंगा। आज फिर शिक्षा मंत्री मोदी जी से फोन पर बात हुई। उपेन्द्र यादव सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड परिणाम। सेकेंड ग्रेड पेपर आउट को लेकर एक और गिरफ्तारी, उदयपुर। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर सरकार ने अब तक नहीं अपनाया सकारात्मक रवैया, बांसवाड़ा भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका न्यूज। भास्कर न्यूज, 19,000 पदों पर निकली वैकेंसी, 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट कर सकेंगे अप्लाई, 1.45 लाख तक मिलेगी सैलरी। इन विभागों में निकली भर्तियां, भारतीय रेलवे, नेवी, केंद्रीय पुलिस फोर्स, इसके अलावा आरटीए के माध्यम से विभिन्न विभागों से प्राप्त विभिन्न पदों की रिक्तियां, जिनका विज्ञापन जारी होना है। नई भर्तियों की लिस्ट, विभाग का नाम और पद नाम, पदों की संख्या। कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातात्विक विभाग में
पद का नाम इन भर्तियों पर निकलेगी। अभियोजन विभाग 203 पदों पर निकलेगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग आरपीएससी पुस्तकालय अध्यक्ष। पशुपालन विभाग की भर्ती निकलेगी। इसके अलावा कॉलेज शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य के 1952 विधि एवं विधि कार्य विभाग कनिष्ठ विधि अधिकारी की 140 पदों पर विज्ञप्ति जारी होगी। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग में प्रोग्रामर की 199 पदों पर विज्ञप्ति जारी होगी। राज्य सरकार युवाओं और विद्यार्थियों के लिए संकल्पित होकर कर रही है काम। मुख्यमंत्री का बयान, लाखों भर्तियां पर करियाधीन, लाखों भर्तियां और निकलेगी। सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर, अभ्यर्थी 4 अप्रैल तक दर्ज करा सकेंगे ऑनलाइन आपत्तियां। बीकानेर भास्कर, कनिष्ठ भू भौतिक विद भू जल वैज्ञानिक की काउंसलिंग 5 को आरपीएससी अजमेर। एनसीटी यूपी उत्तराखंड में निकली भर्ती कोर्ट में लंबित, इस विषय के अभ्यर्थी परेशान। कला शिक्षा विषय के शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता का निर्धारण नहीं, राज्य सहित अन्य प्रदेशों में नहीं मिल रहे जॉब के अवसर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 3 अप्रैल की परीक्षा, 4 को होगी भरतपुर। आरटी के तहत प्रवेश, जिले में 722 प्राइवेट स्कूलों में 6000 से ज्यादा बच्चों को मिलेगा निःशुल्क प्रवेश। दौसा धौलपुर, अब सरकारी स्कूलों में शिक्षा के साथ संस्कारों का ज्ञान भी ले रहे हैं बच्चे। शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश, अब 10 अप्रैल तक आवेदन की छूट। अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल में गणित में बीएड वालों को पहले एंट्री, अब विज्ञान वाले भी कर सकेंगे आवेदन। टीएसपी में भर्ती में इतने पदों का गणित। जीजीटीयू प्री बीएड बीए बीएससी बीएड के टेस्ट के आवेदन 15 अप्रैल तक भरे जाएंगे। एमजीएस विश्वविद्यालय यूजी के 2.80 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा, 6 अप्रैल से एडमिट कार्ड जारी। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, आरटी बीकानेर, पीटीटी के लिए आवेदन 5 तक। बीकानेर भास्कर न्यूज, श्रीगंगानगर 11वीं कक्षा की 13 और 9वीं कक्षा की 18 अप्रैल से होगी परीक्षाएं, 2 मई को जारी करना होगा परिणाम। हर शिक्षक साल के 10,000 देता है दान, भामाशाह कोटा। एनसीईआरटी की डुप्लीकेट किताबों की भरमार, कुछ दिन में ही बिखर जाते हैं पन्ने, जयपुर। प्राइवेट स्कूलों में अब 12वीं क्लास तक फ्री एजुकेशन। आरटी के तहत अब 12वीं कक्षा के तहत छात्रों को भी निःशुल्क शिक्षा। मुख्यमंत्री का अशोक गहलोत का तोहफा, आरटी में अब 12वीं क्लास तक छात्रों को फ्री शिक्षा। नवज्योति जयपुर, सेना भर्ती अग्निपथ योजना में आईटीआई अभ्यर्थियों को मिलेगा 50 अंक तक बोनस, राजस्थान पत्रिका। सरकारी विद्यालयों के शिविरा पंचांग की तिथियों में संशोधन, पीठ आरटी राजस्थान पत्रिका न्यूज। शिक्षा विभाग, नए जिले 1500 स्कूल खींच ले जाएंगे, यहां महज 1300 ही बचेंगे। शिक्षा विभाग अपने स्कूलों की लगा रहा गणित, विद्यालयों के बेहतर संचालन के लिए बहा रहा पसीना, राजस्थान पत्रिका अलवर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बेटियां अब बेटों से आगे निकलने को आतुर, राजस्थान पत्रिका अजमेर।